हैदराबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग पर बड़ा विवाद। जानिए क्या है इतिहास। bbc.com के ऑफिशियल पेज से औरंगाबाद शहर की मुकम्मल दास्तान। हैदराबाद और औरंगाबाद में कई चीज़ें समान है। दोनों शहर अपने बहुरंगी सांस्कृतिक लोकचार के लिए जाने जाते हैं। एक वक्त में औरंगाबाद दक्कन में सत्ता का केंद्र था। ये कई साम्राज्यों की राजधानी रह चुका है। जब निज़ाम ने अपने शासन की बुनियाद रखी तो औरंगाबाद को काफ़ी अहमियत मिली। हालांकि निज़ाम की राजधानी तो हैदराबाद ही थी, लेकिन औरंगाबाद का सम्मान उप राजधानी के तौर पर बरकरार रहा। चूँकि निज़ाम के शासन में यह उनके राज्य की सरहद पर मौजूद सबसे बड़ा और अहम शहर था, इसलिए इसका दर्जा भी खास था। लेकिन आज हैदराबाद और औरंगाबाद दोनों एक बार फिर सुर्खियों में है। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की मांग की जा रही है। बैनर शहर में पाए गए लव औरंगाबाद और सुपर संभाजी नगर के। औरंगाबाद सिटी और औरंगाबाद ज़िले का नया नाम रखने पर बहस जब तक उठ खड़ी होती है। हाल में औरंगाबाद शहर में लव औरंगाबाद और सुपर संभाजी नगर लिखे साइन बोर्ड जगह जगह देखने को मिले। इसने शहर के नाम को लेकर होने वाले विवाद को एक बार फिर हवा दे दी है और इस मर्तबा इसमें कई राजनीतिक पार्टियां भी कूद पड़ी है। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना कई सालों से औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग करती रही है। राज्य में अब शिवसेना सत्ता में है, लिहाजा उसे अब शहर का नाम संभाजी नगर करके अपनी पुरानी मांग पूरी कर देनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो शहर का नया नाम रखने की किसी भी कदम पर पुरजोर विरोध करेगी। इस मामले पर गठबंधन सरकार चला रही है। कांग्रेस और शिवसेना में मतभेद है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि गठबंधन सरकार धर्मनिरपेक्षता के एजेंडे पर काम कर रही और मुगल बादशाह औरंगजेब इस खाचे में फिट नहीं बैठते हैं। ठाकरे ने अपने हाल के बयानों में लगातार औरंगाबाद को संभाजी नगर कहा है, जिससे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये मुद्दा गठबंधन सरकार के लिए प्राथमिकता का नहीं है, इस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नाम बदलने की राजनीति के खिलाफ है, जिससे समाज में दरार पैदा होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्हें संभाजी महाराज से कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने औरंगाबाद का नाम बदलने के लिए चल रहे अभियानों का समर्थन किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी इसे लेकर अपना रुख साफ किया है। सामना के एडिटोरियल में लिखा है, बाला साहेब ठाकरे ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया था और लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया था। औरंगाबाद अक्सर स्थानीय राजनीति की वजह से सुर्खियों में रहा है। अगर हम शहरी चुनाव क्षेत्र को देखें तो ये साफ हो जाता है कि क्यों राजनीतिक पार्टियां इसे इतनी अहमियत दे रही है, क्यों बार बार इस शहर के नाम का मुद्दा सामने आ जाता है। दरअसल औरंगाबाद में सबसे ज़्यादा हिंदुओं की आबादी है, लेकिन मुस्लिम आबादी भी कम नहीं है। शायद यही वजह है कि राजनीति मकसद से इसका नाम बदलने का मुद्दा जोर शोर से उछाला जाता रहा है। औरंगाबाद में रह रही रिटायर्ड प्रोफेसर और इतिहास की स्कॉलर दुलारी कुरैशी कहती है, आमतौर पर औरंगाबाद का इतिहास सिर्फ यादव वंश तक ही सीमित रहा है, लेकिन यहाँ सातवाहन काल के समय के भी प्रमाण मिलते हैं। यादव वंश के शासन के दौरान देवगिरी यानी दौलताबाद एक प्रमुख जगह बन गई थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद के किले पर अपना कब्जा जमा लिया था।
1327 में यादव वंश के शासन के दौरान दौलताबाद एक प्रमुख जगह बन गई थी। बाद में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद पर कब्जा कर लिया था। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने यह फरमान जारी किया कि राजधानी दिल्ली को दौलताबाद मुंतकिल कर दिया जाए। बड़ी तादाद में लोग इधर से उधर हुए, लेकिन 1334 में उसका मन बदल गया और उन्होंने दिल्ली को राजधानी रखने का फैसला कर लिया। सन 1499 में दौलताबाद अहमदनगर की निजामशाही के नियंत्रण में आ गया। अगले 137 साल दौलताबाद निजामशाही हुकूमत के कब्जे में रहा। चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में कई जगहों पर सराय, कुएं और इबादत गाहें बनवाई। ऐसी ही एक जगह थी औरंगाबाद। दुलारी कुरैशी कहती है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने औरंगाबाद में एक जगह पर एक मस्जिद, कुआं और सराय बनवाई थी। आज उस जगह को जूना बाजार कहा जाता है। उन्होंने बताया, पहले इसे जौना बाजार कहा जाता था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम जौना खान भी था। यही जौना बाजार अब जूना बाजार हो गया है। मलिक अंबर अहमद नगर के निजाम के प्रधानमंत्री और सेनापति थे। उन्होंने चिक्कलठाना की लड़ाई में मुगलों को हराया था। मलिक अंबर को ये जगह काफी पसंद थी। उन्होंने यहाँ खड़की गांव को विकसित करने का फैसला किया और इस पर औरंगाबाद शहर की पहली बुनियाद रखी गई। मलिक अंबर ने यहाँ सड़कें, पुल और जलापूर्ति के लिए नहरें बनवाई थी। उन्होंने नौखंडा जैसे महल भी बनवाए। उन्होंने पुर्तगालियों के लिए एक गिरजाघर भी बनवाया था। कहा जाता है कि जंजीरा में मलिक अंबर जब अपने कामों में मसरूफ थे तो पुर्तगालियों से उनका संपर्क हुआ था। मुगल बादशाह जहांगीर ने खड़की पर 1616 में हमला किया और शहर को तहस नहस कर दिया। बादशाह की फौजों ने इतनी तबाही मचाई कि इस शहर को होश में आने में कई दशक लग गए। मलिक अंबर ने इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन 1626 में उनका इंतकाल हो गया। कुछ सालों के बाद मलिक अंबर के बेटे फतेह खान कुछ वक्त के लिए खड़की आए। इतिहास के स्कॉलर पुष्कर सोनी कहते हैं, उन्होंने इस शहर का नया नाम रखा फतेह नगर। लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने 1936 में औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बना दिया। उस समय इस शहर का दोबारा नाम दिया गया खुजिश्ता बुनियाद। 1657 के बाद खुजिश्ता बुनियाद का नाम औरंगाबाद पड़ गया। मुगल इतिहास में औरंगाबाद भी लाहौर, दिल्ली और बुरहानपुर जितना ही महत्वपूर्ण है। शुरू में कुछ समय तक औरंगजेब दौलताबाद में रहे, लेकिन बाद में वो खुदिश्ता बुनियाद चले गए। उन्हें ये जगह पसंद आ गई, इसलिए वहाँ रहने के लिए बड़ी तादाद में कॉलोनियाँ बसाई गई। शहर में 52 बसाए गए। इसकी किलाबंदी की गई। बाद में इसे दक्कन की राजधानी बनने का गौरव हासिल हुआ। मलिक अंबर की तरह ही औरंगजेब ने भी 11 नहरें बनवाई। दुलारी कुरैशी बताती है कि कई यात्रियों ने इस शहर की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा, औरंगाबाद का वर्णन एक ऐसे शहर के तौर पर किया गया है जहां की हवा खुशबू से भरी है, जहां का पानी अमृत जैसा है। औरंगजेब 1681 में यहां आए और फिर उन्होंने कभी भी दक्कन को नहीं छोड़ा। बादशाह औरंगजेब ने या खुल्दाबाद में अपने लिए एक सादा सा मकबरा बनाने और उसके ऊपर तुलसी का पौधा लगाने के लिए कहा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन दक्कन में फिर कभी पहले जैसा ताकतवर नहीं बन सका। या सूबेदार बनकर आए निजाम आसिफ जाह अव्वल ने मुगलों के खिलाफ बगावत कर दी और अपना शासन स्थापित कर लिया, लेकिन उनके भी राज्य की राजधानी औरंगाबाद ही रही।
तीसरे निजाम ने 1761 में हैदराबाद में अपनी राजधानी स्थापित की। तब तक औरंगाबाद कई बादशाहों की राजधानी बनी रही थी। हैदराबाद भले ही नई राजधानी बन गई हो, लेकिन औरंगाबाद को उपराजधानी का सम्मान मिलता रहा। सन 1948 में जब हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया, तो औरंगाबाद के साथ ही मराठवाड़ा का इलाका भी भारतीय संघ का हिस्सा हो गया। 1988 में औरंगाबाद नगरपालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद बाला साहब ठाकरे ने सांस्कृतिक मंडल ग्राउंड में एक विजय रैली को संबोधित किया। इसी रैली में उन्होंने ऐलान किया कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता आज भी औरंगाबाद को संभाजी नगर ही कहते हैं। शिवसेना के मुखपत्र में भी इसे संभाजी नगर ही लिखा जाता है। हर बार नगरपालिका चुनाव में औरंगाबाद का नाम बदलने का मामला उठता है और यह चुनावी मुद्दा बन जाता है। दरअसल 1995 में औरंगाबाद नगरपालिका की एक बैठक में औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके बाद इसे राज्य सरकार के पास भेजा गया। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। उस वक्त पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे औरंगाबाद के अभिभावक मंत्री थे। विधानसभा के पूर्व स्पीकर हरिभाव बागड़े जालना जिला के अभिभावक मंत्री थे। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में औरंगाबाद का नया नाम रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूर कर लिया गया था। चंद्रकांत खैरे ने बीबीसी मराठी से पहले की एक बातचीत में कहा था, जब 1995 में शिवसेना बीजेपी गठबंधन की सरकार थी, तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया था। हमने इसका नाम संभाजी नगर कर दिया था, लेकिन किसी ने कोर्ट में अपील कर दी। हाई कोर्ट ने हमें हमारे पक्ष में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इस बीच हमारा गठबंधन चुनाव हार गया और औरंगाबाद को संभाजी नगर करने का मामला लटक गया। खैरे से जब बीबीसी के रिपोर्टर ने पूछताछ की औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर क्यों रखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम औरंगजेब जैसे तानाशाह शासक के तौर पर नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, एक समय में इस शहर का नाम खड़की था, औरंगजेब ने इसका नाम बदल कर औरंगाबाद कर दिया। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को सोनेरी महल में 4 महीने तक कैद करके रखा था। उनके खिलाफ यह मुकदमा चला, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इसका नाम संभाजी नगर रखना चाहते हैं। 1996 में शिवसेना बीजेपी कैबिनेट ने संभाजी नगर का नाम को मंजूरी दे दी थी, लेकिन तब औरंगाबाद नगरपालिका के पार्षद मुश्ताक अहमद ने अदालतों में इस फैसले को चुनौती दी थी। 2018 में मुश्ताक अहमद ने इस बारे में बीबीसी मराठी से बात की थी। उन्होंने कहा था, 1996 में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने के बारे में अगर कोई व्यक्ति सुझाव या आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो करा सकता है। हमने इस अधिसूचना में नाम बदलने के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यह कहकर याचिका ठुकरा दी कि मामला अभी अधिसूचना तक ही सीमित है, अपील प्री मेच्योर है। मुश्ताक कहते हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली और राज्य सरकार को लताड़ लगाई। एक जज ने राज्य सरकार को ये कहते हुए झिड़का कि शहरों के नाम बदलने के बजाय उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आगे की सुनवाई से पहले राज्य में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार आ गई। मुख्यमंत्री विलास राव देशमुख ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने की अधिसूचना रद्द कर दी। इससे सुप्रीम कोर्ट में दायर हमारी याचिका स्वाभाविक तौर पर खारिज हो गई। इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दोस्त अहबाब में इस ऐतिहासिक वीडियो को शेयर कीजिए।